हाउ आर यू गाइज, आई एम सो सॉरी, आई मीन वी आर सॉरी वापस इतना लंबा ब्रेक लेने के लिए, बट इट हैज बीन अ क्रेजी वीक. सो इट ऑल स्टार्टेड विद मी गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड. हम सब थोड़ा सा डर गए थे, बट आई एम ओके नाउ. सो बिफोर ऑल दिस हैपेंड, आई वेंट टू सरोजनी नगर इन 47 डिग्रीज हीट. आई मीन आई नो 100-150-200 रुपए में कपड़े मिलना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, बट गाइज डू नॉट स्टेप आउट इन दिस हीट. It is so bad. But I mean, I found these pants. Of course, I was so exhausted. Uske baad we took a nap. And then I started working on designing some posters for my dad's new office. It is honestly so much fun creating. Aur dad ko help karna is just... it just feels so good. And then I chilled with Kaneki for a bit. And then it was finally time to get back to work. I had to shoot some new content that I think you guys are gonna love. So stay tuned for that. स्पीकिंग ऑफ शूटिंग, मैंने रोड पे बहुत बुरा रोड रेज इंसिडेंट देखा. इट वॉज रियली स्केरी एंड आई नो द हीट इज गेटिंग टू पीपल, बट थैंकफुली सिचुएशन ज्यादा एस्केलेट नहीं हुआ. मोमेंट वापिस आ गया. न्यू डे गाइज, आज हम लोग हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी निकले घर से. हमारे हिसाब से क्या, 10:45 अगर हम सीपी पहुंच गए मतलब हम 7 बजे के उठे हुए. हम कौन, हम मैं और कानी की कौन, हम कौन, तुम और मैं. मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ. तुम इतना ग्लो क्यों कर रहे हैं? तो फिर इसके लिए कैप पीछे कर दिया. मैं आके देख रहा हूँ अंदर से क्या बल्ब लगा है ले क्या तुम. ये मेरे फेवरेट शूज है गाइस, फेवरेट शूज, फेवरेट ब्रांड, सब कुछ. मेरे भी सब कुछ फेवरेट. हाँ एक्चुअली मतलब इसका ही फेवरेट था मेरा. फिर मतलब तुमने मेरे को ऐसा रीइंट्रोड्यूस किया. मैं बचपन में पहनती थी, तुमने मेरे को बताया कि बड़े होके भी कूल लगते हैं और एक्चुअली बहुत ज्यादा कूल लगते हैं. रनस्टार हाइक और बाकी जितने भी मॉडल्स है वो फिर भी थोड़े से कम वर्सेटाइल है, बट चक टेलर्स जो तुम्हारे पास है ब्लैक वाला, हाँ 70s ना, चक टेलर 70s, बजट फ्रेंडली, स्टाइलिश, वर्सेटाइल, कंफर्टेबल, सब कुछ बेस्ट. अगर तुमको एक शूज चाहिए डेली वेयर के लिए, ये है ये बेस्ट पिक. और मतलब सालों साल चलते हैं, ट्यूबलाइट जैसा है, खराब होता ही नहीं है. मालूम है ट्यूबलाइट एक टाइम पे मतलब मैं बचपन से बड़ा हुआ फिर भी वो ट्यूबलाइट चालू ही है, खत्म ही नहीं हो रहा. वैसा वाला. आई एग्री. और कॉन्वर्स मतलब वन ऑफ दोस शूज है जो जितना उसका वेयर एंड टेयर दिखता है वो उतना ज्यादा कैरेक्टर उसका दिखता है. जीन्स जैसा है कॉन्वर्स. बाकी आज भी मैं एक शूज के लिए शूट कर रहा हूँ, बट जब मैंने ऑनलाइन बुक किया था ये शूज, कलर अच्छा है बट कैसा लगेगा. अभी भी बहुत ऐसा वियर्ड सा उसका डिजाइन है जो डेली वेयर में हम पहनते नहीं, बट मेरे को पहन के बहुत कूल लग रहा है. तुमको पता है वन ऑफ द बेस्ट साइजिंग वाला शूज है ये. मेरे को एकदम कंफर्टेबल हो रहा है. तुमको पता है इंडिया में देखा इंडियन साइजिंग स्टार्ट होने वाला है 2025 से. भ भ ये रहा भ साइज के. चश्मा लगा के आए हैं. बीडी का मूवी देखने गए थे, चश्मा उठा ले. क्या फायदा है तुम्हारा उठने का सुबह सुबह. इसको इसको बोल, इसको बोल, इसको टॉयलेट नहीं आ रहा था. टाइमिंग नहीं है ना भाई. छी 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 छी. And then we met Vishal and we started shooting again. It has been non-stop, but it's so much fun. I love this life. After shoot ke baad we went to Bobachi, which is very very famous for its sushi, and honestly it was so good. I would highly, highly recommend it. Then we had a movie date with Bhumika to watch the latest Planet of the Apes movie. If you still haven't seen it, go watch it, guys. It is so, so, so nice. Movie date ke baad, of course, we had to eat something. So we ended up at Cabo. Cabo is honestly one of the prettiest cafes in Delhi. It is so beautiful. The interiors are amazing. The food is really, really nice. Perfect place to chill with your friends. And then Ayush came over for IKF. And uske baad hum log sab Himalayan food khane ke liye Safdarjung gaye. The food there in general is really, really nice. We tried this really cute place called Green Neko. Hum logon ne wahan par bubble tea try kiye bahut sare. And all of them were
amazing. Next, we went to the very hyped, very viral La Kitchen. But sadly, it was not up to our expectations. I personally would prefer Yeti over La Kitchen. But maybe it was just a bad day in the kitchen. I don't know. We were still craving something spicy and flavorful. So we went to Laughing Corner. And it is one of my most favorite laughing places in Delhi. Agar kisi ko nahi pata hai, toh Laughing is this cold mung bean noodle dish with vai and chicken. Agar chicken nahi khana hai, toh it can be substituted with a veg alternative. It's so nice. It is so refreshing, so spicy. Then we went to a very, very cool restaurant. I am pretty sure you and your parents know of the chef. Hey, kiska restaurant pata hai? He has opened up a new restaurant in Punjabi Bagh called Karigar. And the food, you guys, oh my god. I mean, itne celebrated chef ke restaurant mein obviously khana achha hi hona tha. But their menu was so different and so innovative. And aise hi dekhte dekhte, 10 days went by and we're back to shooting more content. This week and a half has been so hectic. It has been so tough physically, emotionally, mentally. But it has also been a lot of fun. Please, please, please take care of yourselves, guys. This heat wave is real. You can get dehydrated and sick very, very quickly. Please take care of yourselves. And yeah, thank you for coming along with me on this crazy journey. Make sure that you like, share, subscribe, do your thing, and comment down below what your favorite moment of this vlog was. And we'll see you in the next one. Bye!